नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। योगी सरकार ने अपना बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5,50,000 करोड़ का बजट पेश किया है। ये बजट पूर्णतः युवाओं के लिए है, जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री अभ्योदय योजना शुरू की गई है। हर घर में जल नल बिजली की व्यवस्था, योगी सरकार का बजट पेश हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले ही अंतिम पूर्ण बजट है और योगी सरकार का पहला पेपरलेस बजट है। किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान किया गया। किसानों को खेती के लिए मुफ्त पानी दिया जाएगा। प्रदेश में जगह जगह सोलर पंप लगाए जाएंगे। महिला सुरक्षा के लिए लगातार अभियान चलते रहेंगे, जैसे चलते रहे हैं। मेरठ में बनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, गांव में बनाई जाएंगी ओपन जिम। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का ये बड़ा ऐलान बजट के दौरान। सामूहिक विवाह योजना का विस्तार और ज्यादा किया जाएगा। मुख्यमंत्री समक्ष सुपोषण योजना लाई जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा। महिला शक्ति केंद्र बनाने के लिए बजट का ऐलान किया गया है। यूपी सरकार के मिशन शक्ति को आगे बढ़ाया जाएगा। युवाओं के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा ऐलान। प्रतियोगी परीक्षाओं को युवाओं को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। कोचिंग के लिए छात्र छात्राओं को टैबलेट भी दिए जाएंगे। बेरोजगार युवाओं की काउंसलिंग की जा रही है। अभी तक 52,000 युवाओं को इसका लाभ मिला है। कई अन्य जनपदों में भी ऐसे ही सेंटर्स बनाए जाएंगे और मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे। प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। जनपदों में अधिवक्ताओं के लिए चैंबर बने जाएंगे। तो अब तक का ये जो अपडेट था वो हमने अब तक पहुंचाया है। अभी बजट चल रहा है, लेकिन देखा जाए 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और 21-22 का ये जो बजट है आज पेश किया गया है। जनता को बहुत उम्मीदें हैं और सरकार को भी जनता से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये जो बजट है वो 2022 की नींव रख रही है सरकार के लिए।